कार्यक्रम के आयोजक हैं श्री 1008 चंद प्रभु दिगंबर जैन मंदिर कमेटी बगदा बरौली अहीर आगरा, श्री सुधीर जैन अध्यक्ष, श्री अनंत कुमार जैन महामंत्री, श्री मनोज जैन कोषा अध्यक्ष, श्री महेश चंद जैन संयोजक, श्री सुरेश चंद जैन व्यवस्थापक। जय जिनेंद्र। दर्शकों, मैं तान्या और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश राज्य की ऐतिहासिक नगरी आगरा के बरौली अहीर स्थित श्री 1008 दिगंबर जैन मंदिर बगदा में 19 मई 2024 को 24वीं मानस्थम शिलान्यास समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में जिनेंद्र भक्तों को परम पूज्य मेडिटेशन गुरु उपाध्याय श्री 108 विहसंत सागर जी महाराज ससंग का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। तो आइए दर्शकों, बिना देरी किए देखते हैं इस कार्यक्रम के अविस्मरणीय दृश्य। परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य मेडिटेशन गुरु उपाध्याय श्री 108 विहसंत सागर जी महाराज ससंग के पावन सानिध्य में उत्तर प्रदेश राज्य के जिला आगरा के बरौली अहीर स्थित श्री 1008 दिगंबर जैन मंदिर बगदा में 19 मई 2024 को 24वीं मानस्थम शिलान्यास समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत भक्तों ने जिनेन्द्र प्रभु का पूजन वंदन करने के साथ की। पूजन वंदन के उपरांत पूज्य गुरुवर के कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर गुरु भक्ति में लीन भक्तों ने उनके चरण पखारे एवं आरती करने का सौभाग्य प्राप्त किया। तत्पश्चात गुरुवर के उच्चासन पर विराजमान होने के बाद सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने उन्हें भक्ति पूर्वक श्रीफल अर्पित कर उनका शुभाशीष प्राप्त किया। अगले क्रम में जिनेन्द्र भक्तों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में मांगलिक क्रियाएं कर विधिवत ध्वजारोहण किया। धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए, जैन धर्म की पुण्य पताका भक्तों को हर्षाए। धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए, सारे विश्व में शान से फहरे भक्तों के दिल में ये लहरे, नील गगन में लहराती ये, नील गगन में लहराती ये पावन देत दिखा। ध्वजारोहण के पश्चात श्रेष्ठी जनों ने प्रभु एवं गुरुवर के चित्र का अनावरण कर मंगल दीप प्रज्वलित किया। धर्म का पावन दीप जलाए, दर्जन वर दीप प्रज्वलन के पश्चात बालिकाओं ने नृत्य एवं श्राविका ने मंगलाचरण की अद्भुत प्रस्तुति देकर कार्यक्रम के वातावरण में भक्ति का रस घोल दिया।
मंगलाचरण के बाद पुण्यवान भक्तों ने श्रद्धा भाव से पूज्य गुरुवर को श्रीफल अर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त किया। अगले क्रम में श्राविकाओं ने नृत्य की मनोहारी प्रस्तुति देकर उपस्थित जनों को मंत्रमुग्ध कर दिया। तत्पश्चात समिति पदाधिकारियों ने कार्यक्रम में पधारे महानुभावों का पगड़ी माला आदि पहनाकर स्वागत सम्मान किया। भक्त यहाँ पर घड़ी बड़ी शुभ आई है, पुलकित है हर भक्त यहाँ पर घड़ी बड़ी शुभ आई है। आयोजन हो रहा धर्म का, खुशियाँ चौदिस छाई है। आयोजन हो रहा धर्म का, खुशियाँ चौदिस छाई है। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर, संगीत की मधुर लहरियां गूंज रही है शुभ कारी। आनंदित हो रहे रसिक जन, झूम रहे हैं नर नारी। प्रभु की महिमा सुर लहरी में चौदिश देत सुनाई है। आयोजन हो रहा धर्म का, खुशियां चौदिश छाई है। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर, बाज रहे झप ताल मृदंगा, बह रही सुर की धारा है। भगवन की महिमा का वर्णन लगता कितना प्यारा है। अभिभूत है सभी यहाँ पर, अतिशय देत दिखाई है। आयोजन हो रहा धर्म का, खुशियाँ चौदिस छाई है। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर। आपने आकर हम पर, आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि आभार। आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। अब समय था गुरुदेव की मंगलवाणी श्रवण करने का। परम पूज्य मेडिटेशन गुरु उपाध्याय श्री 108 विहसंत सागर जी महाराज ने मान स्तंभ का धार्मिक महत्व बताते हुए श्रावक श्राविकाओं को ज्ञान वर्धक संदेश दिए। जस सामने उस मान स्तंभ के शिलान्यास के लिए आए हुए हैं जो करोड़ों करोड़ों वर्षों के बाद, हजारों हजारों वर्षों की तपस्या के बाद फल देने वाला है। भगवान महावीर स्वामी के समुसरण में महानुभाव, अगर ये घटना नहीं घटती मनोज जी, बाकलीवाल जी, तो ये मंदिरों में मान स्तंभ बनना बंद हो जाते। मंदिर में प्रतिमा विराजमान मान स्तंभ में बंद कर देते। ये इतने ज्ञानी हैं, इतने ज्ञानी हैं, ये कहते उसका अभिषेक नहीं होगा तो पुण्य नहीं मिलेगा, उसका पूजा नहीं होगी तो पुण्य नहीं मिलेगा। अरे महानुभाव, सोना अगर कचड़े में भी चला जाए तो जब निकलता है तो 24 कैरेट का सोना ही कहलाता है। इसलिए भगवान चाहे पूजा हो चाहे ना हो,
अब शेख हो चाहे ना हो, वो पूजनी है, बंदनी है, और उनकी पूजा अर्चना तो महानुभाव देवता भी बिना द्रव के और बिना जल के कर लेते हैं। नंदीश्वर दीप, पंचमेरु दीप, कितने सारे अकृत्रिम कृत्रिम जिनालय हैं। इसलिए महानुभाव ये मान स्तंभ उस घटना का उद्घोष कर रहा है, जहां एक व्यक्ति ब्राह्मण था, वो जैन भी नहीं था, उसके तीन तीन भाई, 500-500 शिष्य, 1500 तीन लोग ब्राह्मण मत को मानने वाले थे। और 66 दिन के बाद महानुभाव जैसे ही उन्होंने भगवान महावीर के समूसरण में आकर के मान स्तंभ के दर्शन करे और बोलने लगे, जयति भगवान हे मा भोज प्रभाच रे बिंदु। तो अब मंत्र पढ़ते पढ़ते उन्होंने दीक्षा ली और भगवान के प्रथम गर्दर गौतम स्वामी गर्दर बन गए। मुनि दीक्षा ले ली महानुभाव। इतना बड़ा प्रभाव सिर्फ एक मान स्तंभ का पड़ता है। और ये बगदा का जैन समाज कितना पुण्यशाली जीव है, जो व्यक्ति 50-25 किलोमीटर जाकर के दर्शन करने जाते थे, ये बहुत पुण्यात्मा जीव है। यहाँ के रहने वाले इतने भोले, इतने सहज रूप वाले हैं कि संत आ गए और मैंने चौके में कहा, बोलो सुद्धि मनोज भैया, तो कह रहा है सुद्धि। मैंने कहा फिर से बोलो, तो कह रहा है सुद्धि। उसकी माँ बोली, बोलना मन सुद्धि, बोल बोल तो दिया सुद्धि, कितनी बार बोले। मैंने कहा भैया इतना भोलापन सही नहीं है, जब तक तुम मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध नहीं बोलोगे, मैं आहार कैसे लूंगा। बोले ये बोलो ना, बोल देते मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध, लो ले लो फटाफट। मैंने कहा वाह, इतना भोलापन है, तभी तो यहाँ पर 24 तीर्थंकर भगवान ने आना पसंद किया है। अच्छे अच्छे मंदिर, एक एक हजार घर की समाज है, छिपी टोला में एक मान स्तंभ नहीं। कमला नगर में 1500 घर समाज है, सिर्फ एक शालीमार में मान स्तंभ में। नुनिहाई जैसा कितना बड़ा नसिया क्षेत्र है, वहां पर एक मान स्तंभ है छोटा सा। महानुभाव पूरे आगरा का सबसे बड़ा मान स्तंभ विराजमान होने वाला है। अगली कड़ी में सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन एवं शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया। पाद प्रक्षालन करो मात का, गाओ मंगल गान, दर्शन करके पुण्य का। अब समय आया शिलान्यास क्रियाओं का, जिसके अंतर्गत पुण्यशाली जिनेन्द्र भक्तों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में विधिवत क्रियाओं के साथ पूजन प्रारंभ किया। धरा कर रही शिला को धारण पावन ये शिलान्यास है, पूज्य जिनालय का प्रारंभ है, ये क्षण बड़ा ही खास है, ये क्षण बड़ा ही खास है। शंकर भगवानों की जय, मान स्तंभ की जय, आचार्य गुरुदेव विराग सागर जी महाराज की जय। का सौभाग्य प्राप्त किया, जब भी इस मान स्तंभ का इतिहास लिखा जाएगा उसमें मुख्य शिला स्थापन करता श्रीमान मोठिया जी परिवार का नाम दिया जाएगा। इसी श्रृंखला में सौभाग्यशाली श्रावक श्राविकाओं ने विधि पूर्वक शिलाएं स्थापित की। तत्पश्चात प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन एवं पूज्य गुरुवर की उपस्थिति में भक्तों ने मंगल कलश आदि स्थापित कर अपने जीवन का सर्वोत्तम पुण्य लाभ अर्जित किया। विधिवत पूजा करके सभी ने नीव का पत्थर रखवाया, भक्तों के संग मनोभाव से भूमि पूजन करवाया, धर्म की कीर्ति जग में फैले, पुण्य का किया प्रयास है, पुण्य का किया प्रयास है। बोलो जिन शासन की जय, बोलो जैन धर्म की जय, बोलो जिन शासन की जय, बोलो जैन धर्म की जय। जग में आज से ये धरती अब धर्म धरा कह लाएगी, जैन धर्म की माला का एक
मन का ये बन जाएगी, होगी जैन धर्म की जय जय, सबको ये विश्वास है, सबको ये विश्वास है। बोलो जिन शासन की जय, बोलो जैन धर्म की जय, बोलो जिन शासन की जय, बोलो जैन धर्म की जय। अभिमंत्रित इस सिद्ध शिला का पूजन सबने आज किया, धन्य हुए हैं भक्त वो जिसने पावन काज में भाग लिया। समापन बेला में विशिष्ट जनों ने समारोह की सफलता पर हर्ष जताते हुए अपने उद्गारों को साझा किया और साथ ही जिनेन्द्र श्रद्धालुओं को इस धार्मिक कार्य में बढ़ चढ़कर सहयोग देने के लिए भी प्रेरित किया। आज से भी एक हजार चंद्र प्रभ दिगम्बर जैन मंदिर बगदा के अंदर उपाध्याय श्री भीषण सागर जी महाराज के सानिध्य में मान स्तंभ शिलान्यास का कार्यक्रम भव्यता से आयोजित किया गया, जिसके अंदर की 24 ही मान स्तंभ की यहाँ स्थापना हो रही है, जिसके अंदर 24 तीर्थंकरों की मूर्तियां विराजमान की जाएंगी। यह मान स्तंभ 37 फीट ऊंचा बनाया जा रहा है, इसमें सफ़ेद प्रतिमाएं विराजमान की जाएंगी, जो एक ऐतिहासिक मान स्तंभ यहाँ बनेगा, जो कि पूरे आगरा नगर की एक अपनी पहचान होगी। यह मंदिर बहुत ही भव्य मंदिर बन रहा है, जो लगभग 500 गज जगह के अंदर यह मंदिर बनाया जा रहा है, इसकी भव्यता बहुत दूर तक जाएगी। और ये चंद्रपुर भगवान का जनाजा है, आज सभी दाताओं ने अपनी अपनी प्रतिमाओं के नाम दिए, उससे यह कार्यक्रम आज का पूरा हुआ और गुरुदेव के आशीर्वाद से भव्यता से यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। आगे भी मैं सभी अपने जैन धर्म के बंधुओं से निवेदन करूंगा कि जो भी सहयोग राशि इस मंदिर के लिए देना चाहे, वे अपनी सहयोग राशि दे करके पुण्य का अर्जन कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। आज श्री 1008 चंद्र प्रभु दिगम्बर जैन मंदिर बगदा आगरा में भव्य 24 मान स्तंभ का शिलान्यास परम पूज्य उपाध्याय श्री 108 विशन सागर महाराज जी के सानिध्य में बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हुआ। आज बड़ी दूर दूर से सभी भक्तजन आए, उन्होंने अपनी अपनी प्रतिमाएं उसमें विराजमान करने का पुण्य प्राप्त किया और भक्तों ने कलश भी लिए, शिलान्यास भी में भाग लिया। बोलो चंद्रपुर भगवान की जय। समाज से मनोज जैन कोषाध्यक्ष। आज बेसंत उपाध्याय श्री बेसंत सागर महाराज के सानिध्य में एक भव्यतम प्रोग्राम का आयोजन किया गया। मान स्तंभ 24 का समारोह शिलान्यास समारोह हुआ, बड़ी भव्यता के साथ हुआ। कम से कम 1000 आदमी ने इसमें शिरकत किया और धर्म सम्मेलन धर्म लाभ लिया। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश राज्य की ऐतिहासिक नगरी आगरा के बरौली अहीर स्थित श्री 1008 दिगम्बर जैन मंदिर बगदा में आयोजित 24 मान स्तंभ शिलान्यास समारोह के पावन दृश्य। पुनः बता दें कि इस समारोह में जिनेन्द्र भक्तों को परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज का मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य मेडिटेशन गुरु उपाध्याय श्री 108 विहसंत सागर जी महाराज ससंग का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। 19 मई 2024 को आयोजित इस कार्यक्रम में जिनेन्द्र भक्तों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में शिलान्यास एवं अन्य मांगलिक क्रियाएं करने का परम सौभाग्य प्राप्त किया। तो दर्शकों, अभी के लिए बस इतना ही। आपसे पुनः भेंट होगी ऐसे ही किसी अन्य धन प्रभावक कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा और आप देखते रहिए छिंदवाड़ी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे श्री 1008 चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर कमेटी बगदा बरौली अहीर आगरा, श्री सुधीर जैन अध्यक्ष, श्री अनंत कुमार जैन महामंत्री, श्री मनोज जैन कोषा अध्यक्ष, श्री महेश चंद जैन संयोजक, श्री सुरेश चंद जैन व्यवस्थापक।